यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ चीनम शर्मा। हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे। सफाई कर्मचारियों का धरना 13वें दिन भी जारी है। पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह पर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है, जिससे राज्य में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी लामबंद हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रोहतक, फरीदाबाद, नरवाना, रेवाड़ी, फतेहाबाद, बल्लभगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर सफाई कर्मचारियों का धरना आज 13वें दिन भी लगातार जारी है और लगातार नारेबाजी उनकी ओर से की जा रही है। सरकार के खिलाफ धरना देकर ये बैठे हैं और हड़ताल लगातार आज 13वें दिन भी जारी है। हमारे संवाददाता सुमित कुमार भिवानी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, भिवानी की बात कर ली जाए, वहां पर सफाई के क्या कुछ हालात है? 13वां दिन है, आज भी हड़ताल जारी है। देखिए सिमम, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की अगर भिवानी में बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा इंतजाम तो किए जाते हैं। रात में भी सफाई करवाई जाती है, दिन में भी सफाई, जैसे कल कई बार का दिन था, कल भी सफाई करवाई गई थी। पिछले 4 दिन से सफाई के लिए अल्टरनेटिव वैकल्पिक इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था फिर भी दुरुस्त नहीं हो पाई। आज 13वां दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का। नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा कर्मचारियों के द्वारा आज विधायक के आवास के बाहर, और एक ही मांग है कि उनको जो है नियमित किया जाना चाहिए, पक्की भर्तियां की जानी चाहिए, 15 स्तरीय जो मांग पत्र था उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने भी साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि 200 नए कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे, 200 नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी ताकि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। चलिए सुमित, क्या लगता है कि अब सफाई कर्मचारी कोई नई रणनीति अपनाएंगे या फिर ऐसे ही लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए, आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं, निश्चितकालीन हड़ताल जो है वो उनके द्वारा की जा चुकी है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये तमाम लोग जो है अब अपनी रणनीति को तैयार करते अख्तियार करते हैं। लेकिन क्योंकि पहले ही जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो की जा चुकी है, इसके बाद अब क्या स्ट्रेटेजी अख्तियार करते हैं? दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन भी कहीं ना कहीं रुकने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नए कर्मचारियों की भर्ती की बात कही गई है, नए कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे और पूरी तरह से व्यवस्था ना बिगड़ने पाए इसके मद्देनजर इस तरह की बात कही गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सफाई कर्मियों की ओर से हड़ताल की जा रही है, 13वां दिन आज उनकी हड़ताल का है। भिवानी की बात कर ली जाए तो भिवानी में भी अभी इस वक्त सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लगातार अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है और सफाई कर्मचारियों की वही मांगे हैं, समान काम समान वेतन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग है, ठेका प्रथा खत्म करने की मांग उनकी ओर से लगातार की जा रही है। और हालांकि 2 बार सरकार के साथ मीटिंग भी इनकी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके हल कोई होता नजर नहीं आ रहा। और न्यूनतम वेतन 15,000 किया जाए, इस तरह की मांग भी उनकी ओर से रखी जा रही है। तो यह है सफाई कर्मचारियों की मांगे। नौकरी के दौरान इन्हें पूरी सुविधाएं दी जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन की मांग है। सुशील शर्मा महेंद्रगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, महेंद्रगढ़ की बात कर ली जाए, वहां पर फिलहाल सफाई के क्या कुछ हालात हैं? क्या सफाई होती नजर आ रही है? नहीं, महेंद्रगढ़ के अंदर साफ सफाई को लेकर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जब से सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं। पिछले 2 दिन से नगर पालिका प्रधान जो है वो नगर पालिका की टेम्पो लेकर जेसीबी मशीन की सहायता से कूड़े तो उठवा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से साफ सफाई होनी चाहिए साफ सफाई नहीं है। सिर्फ नगर पालिका प्रशासन जहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वो जेसीबी मशीन की मदद से उठवा रहे हैं, बाकी रोड का, सफाई का, नालियों का सब बुरा हाल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यह है सफाई कर्मचारियों की मांगे। न्यूनतम वेतन 15,000 किया जाए, लगातार प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। नौकरी के दौरान कर्मचारी की मौत पर उनके परिजन को नौकरी दी जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इन मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन वो कर रहे हैं। समान काम समान वेतन की मांग उनकी है। हालांकि 2 बार सरकार के साथ मीटिंग भी उनकी हुई, सीएम के साथ भी उनकी मीटिंग हुई, लेकिन बावजूद इसके कोई हल नहीं निकल पाया, बेनतीजा बैठक वो रही, जिसके चलते 13वां दिन आज उनकी हड़ताल का है। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले 3 दिन की हड़ताल का ऐलान सफाई कर्मचारियों की ओर से किया गया था, लेकिन 3 दिनों तक
सरकार ने कोई ध्यान उनकी इस हड़ताल की ओर नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने इसे बढ़ाकर 6 दिन की कर दिया, फिर 9 दिन की कर दिया और अब हालात ऐसे हैं कि 13वां दिन आज उनकी हड़ताल का है और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लोगों की बात कर ली जाए, लोगों में भी डर सताने लगा है अब बीमारियों को लेकर, क्योंकि 13 दिन हो गए हैं, 13 दिन से उनके शहर में सफाई नहीं हुई है और इसी के चलते लोगों को भी अब डर सताने लगा है कि अब आगे क्या होगा। सफाई कर्मचारियों के चेयरमैन संजय छापड़ी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से 13वां दिन है आज हड़ताल का, अब आगे क्या कुछ रणनीति उनकी ओर से अपनाई जाएगी, क्योंकि 13वां दिन है, बावजूद इसके सरकार अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाई। हेलो जी संजय जी, जी बात रखिए अपनी। बोलिए बोलिए मैडम। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 13वां दिन है, लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, बावजूद इसके सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही और कहीं ना कहीं अभी तक हल सरकार निकालने में नाकामयाब साबित हुई है। सरखी दादरी नगर में हड़ताल का कोई असर नहीं है, हमारे यहाँ 181 सफाई कर्मचारी हैं जी, जिसमें हमारे 84 सफाई कर्मचारी और 21 नगर पार्षद के साथ नगर की सामाजिक संस्थाओं के साथ हमने सफाई अभियान का काम शुरू किया हुआ है। शहर में कोई गंदगी नहीं है जी, पूरे डंपिंग पॉइंट हमारे खाली हैं जी। फिर भी मैं इनसे अपील करता हूं सफाई कर्मचारियों से कि आप लोग काम पे लौट जाएं, सरकार आपके काम पे विचार कर रही है जी, जल्दी कोई ना कोई आपका समाधान निकल जाएगा। साथ ही अगर पहले की बात कर ली जाए, क्योंकि समाधान होता नजर नहीं आ रहा, पहले भी सीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद भी बैठक बेनतीजा रही, तो क्या लगता है अब आगे कहीं समाधान नजर आएगा, क्योंकि मामला भी 2016 से ही कोर्ट में लंबित है। कोर्ट का मैटर अलग मैटर है, बाकी तो माननीय मुख्यमंत्री जी, बहन कविता जी बहुत सुलझे हुए हैं इस मामले को, मेरे को लगता है कि जल्दी सुलझा लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो उनका कहना है कि मामले को जल्दी सुलझा लिया जाएगा, सफाई कर्मचारियों की मांगे लगातार वो कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें समान काम समान वेतन की मांग उनकी है, ठेका प्रथा खत्म करने की मांग भी उनकी है और बावजूद इसके अभी तक सरकार हल निकालती हुई नजर नहीं आ रही। बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता प्रेम खान फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, बल्लभगढ़ की बात कर ली जाए, वहां पर सफाई व्यवस्था कैसी है, क्योंकि 13वें दिन भी लगातार हड़ताल सफाई कर्मियों की नजर आ रही है। सफाई कर्मचारी नेता आशीष हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। आशीष जी हाँ जी हाँ जी, लगातार प्रदर्शन आपकी ओर से किया जा रहा है, हड़ताल का आज 13वां दिन है, अब आगे सफाई कर्मचारियों की क्या रणनीति सामने आएगी अगर अब भी सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना? ये जो 27 तारीख गई है, 27 तारीख से प्रदर्शन चालू है, 9 तारीख से आज 13वां दिन है जी, तो धरने पे पूरे प्रदेश के अंदर नगर पालिका परिषद नगर निगम कमेटी सभी कर्मचारी बैठे हुए है हड़ताल पे जी, अपनी मांगों को लेते हुए, और अभी तक सरकार ने कोई बात करने की बातचीत नहीं हुई है और हमारी तरफ कोई फेवर या सरकार हमारे उसमें कोई फेवर में फैसला नहीं कर रही है, इसीलिए आंदोलन और बड़ा बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं कर्मचारी। कल धनखड़ साहब का जो हमारे मंत्री है ओम प्रकाश धनखड़ जी जी, कल उनका घिराव था जी, और वहाँ ज्ञापन देना था, ज्ञापन देने गए तो ज्ञापन देने जब जैसे गए, वहाँ मंत्री साहब थे नहीं, वो प्रशासन के आदमी थे, जैसे हमारा तहसीलदार है उनका पीए था, वो बोले कि प्रधान जी क्या हमारे जो धनखड़ साहब है वो गुड़गावा है और गुड़गावा से जैसे भी आपसे आपके पास उसके उनके पास हम आपके पास मैसेज पूछा देंगे और ज्ञापन दे देना, अभी तक धनखड़ साहब से वो ज्ञापन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।
तो फरीदाबाद से सफाई कर्मचारी नेता नरेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। एक तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और ये जो हड़ताल चल रही है, दरअसल सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है और वो बातचीत करने के मूड में नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर आज जनता भी और कर्मचारी भी सरकार की इस हठधर्मिता से दुखी हैं। मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहूंगा कि सरकार ने जो विधानसभा चुनाव के अंदर हमसे वायदे किए थे तीन बातों के, ठेकेदारी खत्म करने का, नौकरी पक्की करने का और न्यूनतम वेतन 15,000 देने का, सरकार वादों को पूरा करे और जो हमारी अन्य मांगे हैं उन मांगों पर भी सरकार बैठ करके बातचीत करके उनका समाधान करे। नरेश जी, जिस तरीके से 13वां दिन, नरेश जी आपको रोकना चाहूंगी, जिस तरीके से 13वां दिन आज हड़ताल को हो गया है, बावजूद इसके सरकार कोई हल निकालने में कामयाब नहीं हो रही, अब आगे भी अगर सरकार हटा देती है सफाई कर्मचारियों को, नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, तो आगे इन सफाई कर्मचारियों की रणनीति क्या रहेगी? तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, उसकी संबंधित सभी यूनियनों के लोग, विभागों के कर्मचारी, CI2 के सभी विभागों के कर्मचारी 22 मई को हरियाणा में जहां पूरा 22-21 जिलों में प्रदर्शन करेंगे, वहीं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, उसने भी ऐलान कर दिया है कि देश के सभी 742 जिलों में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की हड़ताल पर जो दमनात्मक कार्रवाई हरियाणा सरकार कर रही है उसके विरोध में और कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में पूरे देश में 22 मई को प्रदर्शन होंगे जी। और फिर नगर पालिका परिषद और निगमों के कर्मचारी, बीजेपी के सभी विधायकों, सभी जो सांसदों और मंत्रियों के घर पर सुबह सूर्य उदय होने से पहले घड़ियाल और शंख लेकर के जाएंगे जी। उनको जगाएंगे कि भाई हमारी बात सुनो, हमारी मांगों का समाधान करो जी। और फिर 25 तारीख को बिजली के कर्मचारियों ने हमारे समर्थन में 3 घंटे काम छोड़ने का ऐलान किया है, रोडवेज भी फैसला कर रही है जी। और हमने ये तय किया है कि 25 मई से हम अपने अपने पालिका परिषद और निगमों के गेटों के सामने 24 घंटे की कर्मी हड़ताल शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी अपनी बात रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो उनका कहना है कि शंख लेकर वो सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के अफसर जो हैं उनके कार्यालय के बाहर पहुंचेंगे, उन्हें जगाने का प्रयास किया जाएगा कि लगातार जो 13 दिन से वो हड़ताल कर रहे हैं उनकी मांगों को माना जाए और उनकी हड़ताल की तरफ ध्यान दिया जाए, कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का प्रयास उनकी ओर से किया जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि 22 जिलों में सभी जगह पर प्रदर्शन और ज्यादा उग्र कर दिया जाएगा।